सोयाबीन की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। चाहे भारत की बात करें या फिर विदेशों की, सोयाबीन में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। यूएस सोयाबीन वायदा $1600 के पार ट्रेड करता दिखाई दिया है। वहीं घरेलू वायदा NCDEX पर सोयाबीन का अप्रैल वायदा 7000 के पार निकल चुका है और 7100 पर कारोबार करता दिखाई भी दिया है। दरअसल ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट रह सकती है। हाजिर मंडियों में भी सोयाबीन 6700 के ऊपर बिकती नजर आई। दूसरा, रूस और यूक्रेन के भू राजनीतिक तनाव के चलते लगभग सभी खाद्य तेलों और तिलहनों में तेजी दर्ज हो रही है। ग्लोबल महंगाई की चिंताओं के चलते भी कीमतों में तेजी आई है। ऐसे में किसानों को आगे सोयाबीन के और अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। वहीं बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि भारत में नवंबर दिसंबर के दौरान सोयाबीन की उतनी आवकें नहीं देखने को मिली जितनी उम्मीद थी। ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के हालात हैं, जिससे उत्पादन में कमी की ही आशंका है। चाइना भी अमेरिका से सोयाबीन की लगातार खरीद कर रहा है। भू राजनीतिक तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में जो तेजी आई है, उसका असर तेल तिलहन के बाजार पर भी पड़ता दिखाई दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सपोर्ट पाम तेल की कीमतों को, पाम तेल में तेजी का सपोर्ट सोया तेल को और सोया तेल में तेजी का सपोर्ट बाकी तेलनों पर देखने को मिल रहा है, जिससे सोयाबीन की भी कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। अजय केडिया के मुताबिक घरेलू बाजार में सोयाबीन की कीमतों में यह तेजी आगे जारी रह सकती है। सरसों की आवकों के चलते सोयाबीन का बाजार उतना नहीं उठ पा रहा है जितना उठना चाहिए था, लेकिन विदेशों में आई तेजी सोयाबीन को लगातार सपोर्ट करती रहेगी। अजय केडिया के अनुसार सोयाबीन 7500 से 8000 तक के बिस्तर दिखा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।